गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री से 1100 लीटर का जल का कलश एक दिन पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचा। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज जल कलश को लेकर निरंजनी अखाड़े में मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर पहुंचे, जहां उनका स्वागत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने किया है, जिसके बाद आज बुधवार को ये जल कलश पशुपतिनाथ नेपाल के लिए रवाना हो गया। स्वामी रविंद्र पुरी महाराज ने गंगोत्री धाम के गंगा जल के कलश को अपने सिर माथे पर धारण और गंगा मैया के जय जयकार करते हुए पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ रात्रि विश्राम के लिए रुके। मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर से लेकर कलश को रथ में चढ़ाया, जिसके बाद ये कलश यात्रा पूरे विधि विधान के साथ नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपति नाथ मंदिर के लिए रवाना हो गया, जहां पूरे वर्ष इसी जल से भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया जाएगा। देखिए, हमारी युगों को सनातनी परंपरा चली आ रही है कि महालक्ष्मी पूजा के दिन गंगा जी का दिव्य कलश भरा जाता है, जिसका प्रथम पड़ाव उत्तरकाशी में होता है। दूसरे पड़ाव में कल शाम को हम यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर अखिल अखाड़ा परिषद के हमारे परमाध्यक्ष महंत रविंद्रपुर जी महाराज द्वारा भगवती गंगा जी का भव्य स्वागत किया गया। और इस यात्रा के जो मेन स्तंभ भी हैं वो हमारे महाराज श्री हैं, क्योंकि ये परंपरा भी किन्हीं कारणों से बीच में बाधित हो गई थी। विगत ये 24वां वर्ष की यात्रा है, जो निरंतर महाराज श्री के सानिध्य से सब संतों के संरक्षण में यथावत चली आ रही है। और आज भगवती गंगा जी का महाराज श्री ने स्वयं सांग और पांग विधि से पूजन करके और आगे के मुरादाबाद के लिए इस यात्रा को महाराज श्री के सानिध्य में प्रस्थान कर रही है। आज जो गंगा मैया है, आपने सुना होगा, सबसे पहले जब भी गंगा मैया का जो पट खुलता है उस समय हमारे रावल जी गंगोत्री जाते हैं, और जब पट बंद होता है रावल जी हमारे वहाँ से 1100 लीटर जल लेकर के काठमांडू जाते हैं, और काठमांडू में काशी काठमांडू में पशुपति विश्व पशुपतिनाथ जी का अभिषेक होता है। और हमारी परंपरा आज की नहीं, बड़ी प्राचीन परंपरा है, जब से गंगा जी का यहाँ आगमन हुआ तक तभी की परंपरा है, क्योंकि गंगा जी जब यहाँ से गई थी, हमारा जो नेपाल है, भारत है, पहले ये एक ही था, और आज हमारे रावल जी का पूरा प्रयास है, हम जितने भी हिंदुस्तानी है, भारतीय है, जितने हम नेपाल के वासी है, मूल वासी है, हम सब एक हो जाएं। और ये यात्रा जो है सनातन की यात्रा है, ये यात्रा जो एकता की यात्रा है, और ये जो यात्रा हमारी है, हम यही कहना चाहेंगे कि नेपाल और भारत एक हो जाए। और जैसे भारत, जैसे नेपाल जो है अखंड हिंदू राष्ट्र है, वैसे भारत भी अखंड हिंदू राष्ट्र हो जाए, यही हमारा प्रयास है, यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारा साधुवाद। इसके लिए हम पूज्य राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो सनातन के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ से ये यात्रा प्रस्थान करेगी मुरादाबाद, मुरादाबाद से लखनऊ, लखनऊ से फिर नारायण घाट होते हुए काठमांडू जाएगी और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया जाएगा, जिससे सनातन धर्मावलंबियों के साथ साथ संपूर्ण विश्व में रहने वाले लोगों के लिए मंगल कामना की जाएगी, विश्व बंधुत्व के संदेश दिया जाएगा, और सनातन सब जगह हो और सबके लिए प्रेम और करुणा का वर्षा हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना किया जाए।